बात जब भी होगी नए भारत के इतिहास की, सत्य, अहिंसा और आत्मविश्वास की, भारत के स्वाधीनता संग्राम की, एकता और उत्थान की, तो सबसे अग्रणी नाम होगा मोहनदास करमचंद गांधी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। आज भारत को नई दिशा और दशा देने वाली शख्सियत की जयंती है। जी हाँ, आज गांधी जयंती है। इसी के साथ पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ऐसे में गांधी जयंती की अहमियत और कद और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को हराकर भारत की आज़ादी के सूत्रधार थे महात्मा गांधी। आज़ादी के इस अमृत काल में बापू की शिक्षाएं, उनके संदेश किस प्रकार से भारत को विश्व महाशक्ति बनाने के लिए, तेजी से उभर कर आगे बढ़ने के लिए सहयोगी हो सकते हैं, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी के संधीर जी एवं शिक्षाविद और विचारक श्री जगदीप भार्गव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद। वर्तमान में जो भारत है वो सिर्फ एक राष्ट्र ना होकर एक उपमहाद्वीप भी है, जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं सांप्रदायिक और धार्मिक तौर पर भी। महात्मा गांधी जो हैं वो किसी एक धर्म को नहीं मानते थे, उनकी ईश्वर में अगाढ़ और अटूट श्रद्धा थी, लेकिन वे सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे और सांप्रदायिक सौहार्दता के पक्षधर थे। तो आज जो हम अमूमन देखने में आता है दो विचारधाराओं का टकराव या दो संप्रदायों का टकराव है, उस स्थिति में उनकी जो विचारधारा है, उनके जो संदर्भ हैं, दृष्टिकोण हैं, वो किस प्रकार से इन स्थितियों को समझने के लिए और उन्हें सुधारने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। श्री भार्गव जी, देखिए, आपने जैसे कहा कि विभिन्नताओं की बात करी और अलग अलग धर्मों के होने की बात कही, महात्मा गांधी जी का कोई अपना धर्म नहीं था। कभी उनसे सवाल किया गया क्या आप हिंदू हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं हिंदू हूँ, पर साथ साथ मैं बौद्ध भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, ईसाई भी हूँ और उन्होंने ज्यू भी हूँ। उन्होंने कहा मैं ये सभी हूँ, क्योंकि उनके क्योंकि बेशक पैदाइशी तौर पे वो हिंदू रहे हों और उनकी माता के उन पर बहुत ज़बरदस्त संस्कार पड़े शुरू से ही, क्योंकि माता उनकी गुजरात के एक वैष्णवी संप्रदाय से आती थी जी। पर उस सब के बावजूद उनके मन में इन सब संप्रदायों के लिए बहुत इन सब मतों के लिए बहुत उनके मन में आदर्श भाव था जी। और यहाँ तक कि उन्होंने उनको पढ़ने की चेष्टा भी करी, क्योंकि जैसे हिंदू धर्म में एक समर्पण की बात होती है जी। वैसे ही बाइबल में एक वर्स आता है जो कि महात्मा गांधी को बड़ा प्रिय था, मैं भी अक्सर उसको बड़ा पसंद करता हूँ, कास्ट दाय बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन दी, कि आपका सारा बोझ भगवान पे छोड़ दो और वो उसको संभालेगा। जैसे हम आत्मसमर्पण की बात करते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ही वो करते थे जी, बिल्कुल। तो धर्मों की तो सभी और तो और उनके वहाँ जो पूजा भी होती थी, पूजा कोई रिचुअल्स नहीं होते थे, पर जो प्रार्थना होती थी वो प्रार्थना भी सर्वधर्म प्रार्थना हुआ करती जी। और कभी भी उन्होंने कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रार्थना अपनी जबान से करनी है, बोली प्रार्थना हृदय से होती है और हृदय की प्रार्थना जो होती है वो प्रेम की प्रार्थना होती है। और वो अक्सर कहा करते कि एक गूंगा कैसे प्रार्थना करे, एक जो हकलाता है वो कैसे प्रार्थना करेगा, एक जो तोतला बोलता है वो कैसे प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना तो हृदय की ही है, तो उस प्रार्थना पे उन्होंने जोर दिया जो हृदय से निकले जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं जो टकराव नज़र आते हैं कई बार कुछ संप्रदायों में या कुछ विचारधाराओं में, उसको हम किस प्रकार से गांधी जी के दृष्टिकोण से समझ करके और सुलझा सकते हैं इन मुद्दों को? संधीर जी, देखिए, गांधी का जो मूलभूत सिद्धांत रहा जी वो रहा सत्य, अहिंसा, बिल्कुल, प्रेम, सहिष्णुता और सत्याग्रह, बिल्कुल। इन पांच चीजों को अगर आप चलेंगे तो जिनका आपस में टकराव है उनको इसके ऊपर, इन तथ्यों के ऊपर, इस कसौटी पर तोलने की जरूरत होगी कि इन दोनों में से सत्य की ओर कौन है जी। सहिष्णुता, टॉलरेंस, एक दूसरे को टॉलरेट करके कैसे इसका समाधान निकाला जाए, और अगर जो सत्य पर नहीं है वो आपकी बात नहीं मान रहा तो सत्याग्रह के द्वारा जी, बिल्कुल, उसको मानने के लिए विवश कर दिया जाए, उसे माननी पड़े आपकी बात जी। ये गांधी की विचारधारा है जी। के जो कन्फ्लिक्ट है, किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए गांधी की जो थ्योरी है वो इवॉल्व ही कन्फ्लिक्ट में हुई है।
गांधी ने आके जब काम शुरू किया तो पहला कन्फ्लिक्ट किसके साथ था? अंग्रेज के साथ था जी, बिल्कुल, उनका हमारे पर राज था। उस राज के खिलाफ लड़ाई भी एक कन्फ्लिक्ट थी, और वो जब सन 30, 32, 40 तक आते आते वो कन्फ्लिक्ट अंग्रेज के साथ साथ जो हिंदू मुसलमान का शुरू हो गया, जो पार्टीशन की बात शुरू हो गई, उस कन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करने की बात थी जी, बिल्कुल। उसके बीच में अंबेडकर और जिन्ना वगैरह ने जो पूना पैक्ट किया, तो एक वो कन्फ्लिक्ट आ गया कि शेड्यूल कास्ट जिन्हें अब हम कह रहे हैं जी, उनको हमारे से अलग करने की बातचीत शुरू हो गई। तो गांधी, इनफैक्ट गांधी ने अपने थॉट प्रोसेस को जो इवॉल्व किया वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ही इन्वॉल्व किया जी, इवोल्यूशन वहां से है जी। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज ने हमारे बीच में खाई पैदा कर दी स्वर्ण हिंदू में, और उस समय के जो शब्द था, अब तो नहीं यूज कर सकते, शेड्यूल कास्ट में, कि ये इनसे अलग हो जाएं, तब गांधी ने अखबार चलाया जी, गांधी ने उनको हरिजन नाम से अखबार चलाया, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश की, उनके साथ बैठ के अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की। गांधी कहते थे कि आप छुआछूत मन से खत्म करो, बिल्कुल, किसी को ऊपर ले जाने से नहीं खत्म होगी। तो इस तरह उन्होंने उस कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया। पार्टीशन के भी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में गांधी ने भरसक प्रयास किया, और जब उसमें वो कामयाब नहीं हुए तो आपको दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि जिस स्वतंत्रता के लिए गांधी लड़ा और देश को आजादी दिलाई, थोड़ा हिस्सा रहा, ज्यादा रहा, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन गांधी का योगदान था, था। परंतु 15 अगस्त 1947 को गांधी कहां था? नुआखली में थे, हिंदू मुसलमान के इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से हिंसा को खत्म करके प्रेम, सहिष्णुता, इनको लाने की चेष्टा कर रहे थे। तो गांधी के ये जो 4-5 प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अगर हम किसी भी कन्फ्लिक्ट को इनमें लेके आएंगे तो इनमें उसका रास्ता जरूर मिलेगा। गांधीयन थ्योरी या गांधी की सोच अपने आप में किसी भी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, किसी भी एक दूसरे की विचारधारा के टकराव को दूर करने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि लास्ट में उन्होंने कहा था कि यदि आपका टकराव रहेगा तो हिंसा स्वाभाविक है जी, और अगर आप अहिंसक होना चाहते हैं तो आपको टकराव दूर करना पड़ेगा जी। ये गांधीयन थॉट है जिसकी आज भी हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, इवन चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र है, उसमें इन चारों पांचों चीजों को अगर हम लेकर के चलेंगे तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए गांधी की विचारधारा में रास्ता ना हो। ना हो, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, इनके जरिए जो है समाज को एक उत्थान की दिशा दी जा सकती है। भारत जो है वो ग्राम प्रधान देश रहा है, ऐसे में गांधी जी जो हैं वो विकास की अवधारणा को ग्राम से लेकर चलते थे कि गांव का विकास ही वास्तव में राष्ट्र का विकास होगा। एक टर्म आती है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि राजनैतिक विकेंद्रीकरण, इसकी अवधारणा के लिए और इसकी स्थापना के लिए जो पृष्ठभूमि मानी गई गांधी जी के द्वारा वो भी गांव ही मानी गई। आज जो है ग्लोबलाइजेशन है, नई तकनीकें हैं, इसके जरिए पूरा विश्व जो है एक साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में सिर्फ एक गांव के विकास की बात करना या इस पृष्ठभूमि पर जाना कुछ लोगों की समझ से परे है। तो ये जो गांव के विकास की अवधारणा है राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए भी, ये आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है और ये है क्या? देखिए, इसके लिए आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। गांधी ने ग्राम विकास की जब बात की कि ग्राम को एक इकाई बनाया जाए जी, उस समय जब उन्होंने शुरुआत की थी इस बात की, तो पावर जो है वो सेंटर से आती थी, ऊपर से मोनार्की थी जी, ब्रिटिश मोनार्की, बिल्कुल ब्रिटिश मोनार्की ने अगर हमें थोड़ा बहुत दिया तो सेंट्रल लेजिस्लेशन दे दिया, उसमें लिमिटेड वोटिंग पावर्स थी जो 30-35 के एक्ट के समय आई जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था 1935 में जो असेंबलीज बनाई गई जी, उस समय बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया, तो सत्ता या जो पॉलिटिकल पावर उस समय ऊपर से आ रही थी जी, चाहे वो
इंग्लैंड से आई, इंग्लैंड से आके दिल्ली में आई, दिल्ली से फिर गवर्नर्स के थ्रू नीचे लेजिस्लेटिव असेंबली में गई, तो सत्ता का केंद्रीयकरण साफ नजर आ रहा था जी। उस सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए उस समय गांधी ने देखा कि देश के अंदर यदि हम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना चाहते हैं, इस देश की तरक्की की बात करना चाहते हैं, तो हमारे को ग्राम को एक इकाई मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और ग्राम की इकाई का क्या मतलब कि ग्राम में स्वावलंबन हो, यदि ग्राम स्वावलंबी हो जाएगा, यदि ग्राम में छोटे और कुटीर उद्योग लगेंगे, ग्राम का आदमी शहर की ओर नहीं भागेगा, वो वहीं पर अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा, उसकी मूलभूत सुविधाएं वहीं पूरी हो जाएंगी जी, तो शहर की तरफ पलायन नहीं होगा। शहर की तरफ पलायन नहीं होगा तो जो गांव के अंदर केंद्र है आर्थिक स्थिति, वो उसकी ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। जब ग्रामीण इलाके की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो ऑटोमेटिकली जो पॉलिटिकल पावर है वो वहां से आएगी। गांधी की विचारधारा में ऐसा कभी नहीं था कि ग्राम सभा देश का फैसला करेगी जी। नहीं, देश की आर्थिक नीति क्या होगी, देश की डिफेंस पॉलिसी क्या होगी, गांधी ने इसके लिए कभी नहीं कहा। गांधी ने कहा कि ग्राम सभा गांव अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए और अपने फायदे के लिए उस गांव में किस चीज की आवश्यकता है उसको तय करने का अधिकार उसको होना चाहिए, ना कि दिल्ली को। दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी चीजें हैं करने को। इस पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात गांधी ने की थी। गांधी ने कोई उस डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं की थी, क्योंकि बाद में अगर आप देखें, एक बार जयप्रकाश जी ने, जो गांधी जी के ही शिष्य थे, उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की जी, लेकिन वो बात थ्योरी ही रही। बिल्कुल। प्रैक्टिकली इसको अगर कोई बाद में फॉर्म दी गई, ग्राम स्वराज का जो प्रैक्टिकली 90s में जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जी, जिसमें ग्राम सभाओं को, पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, इनको ये अधिकार दिए गए कि इनके चुनाव, इनका लोकल, इनका कंट्रोल, ये सब चीजें, ये गांधी की विचारधारा के साथ था कि सत्ता केंद्र की बजाय सत्ता का विकेंद्रीयकरण हो और उस विकेंद्रीयकरण से जो हमारी एक सबसे छोटी इकाई गांव है, अगर वो स्वावलंबी हो जाएगा, उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, तो चाहे दिल्ली में 5-7-10-20 बड़े होटल ना भी बने, गांव में अगर कुछ है तो देश सुदृढ़ होगा। ये गांधी के तो जी जी बिल्कुल। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने जो एक विचारधारा की नींव रखी थी, इसमें जो आपका उद्योगपति था उसे ट्रस्टी बनाया गया और एक ट्रस्टीशिप की अवधारणा खड़ी की गई। क्योंकि आज के दौर में भी, आज भी जो आपका अर्थव्यवस्था है वो ना केवल व्यक्तिक तौर पे बल्कि राष्ट्र के उत्थान के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इस जो ट्रस्टीशिप है ये आज के दौर में किस प्रकार राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के उत्थान को एक राह दिखा सकती, एक दिशा दे सकती है। देखिए, गांधी जी की अगर इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें, जब जैसे बात रखा करते हैं ट्रस्टीशिप के अलावा, उन्होंने और भी चीज़ें कही, जैसे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा अंत्योदय जी, बिल्कुल है ना, फिर रखा सर्वोदय। तो अंत्योदय क्या था कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएं कि द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उसको देखते हुए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। तो मतलब क्या था कि ताकि कोई भी भूखा ना रहे, वहाँ तक पहुँचे। फिर जो सर्वोदय था वो भी ये था कि सभी आगे बढ़ें, सभी आगे बढ़ें, ये ना हो कि कुछ चंद हाथों में वो रह जाए। उसी कड़ी में ट्रस्टीशिप की जो बात थी, उसमें कहते थे कि द रिच आर द ट्रस्टीज टू द वेल्थ ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के, जो समाज का वेल्थ है उसके ट्रस्टीज हैं। तो उसमें बहुत सा जिम्मेवारी उन रिच लोगों पे, उन पैसे वाले लोगों पे भी पड़ती है कि वो गांधी की तरह ही जिए, इस तरह से कि जैसे गांधी थे, गांधी ने रेनन्सिएशन में अपरिग्रह, अपरिग्रह पे बहुत जोर दिया और खुद अपनी अपनी ज़रूरतें कम से कम रखी, अपनी अपनी नीड को बिल्कुल मिनिमम रखा, है ना। पर आप देखिए, अभी वैसे शायद यहाँ भी शुरू हो जाए, पर वेस्ट से कॉन्सेप्ट चलाया नया, उसे कहते हैं मिनिमलिज्म जी। मैं बहुत से, आप लोग पढ़ते होंगे आजकल कई अखबारों में, रसीलों में आता है, मैगजीन्स में आता है, कि एक कॉन्सेप्ट चला है मिनिमलिज्म का, जिसमें कि पीपल हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल फॉर देमसेल्व्स,
वो ऐसा नहीं कि गरीब हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उसके बावजूद अपने रहन सहन में, अपने कंडक्ट में वो मिनिमलिस्ट हैं, बहुत थोड़े पैसों में रहते हैं, मतलब अपनी सारी आराम रखते हैं पर कोई घर नहीं ओन करेंगे, कोई घर नहीं बनाएंगे, अपनी गाड़ी नहीं ओन करेंगे, आने जाने की सुविधा के लिए कुछ और ले लेंगे, टैक्सी ले लेंगे, चले जाएंगे, पैसा बहुत आ रहा है, उसके बावजूद भी वो कुछ हाथों में इकट्ठा नहीं हो रहा पैसा जी। तो इस तरह की ये भी जो मिनिमलिज्म करते हुए जो पैसे को फिर भी उस काम में लगे रहने देते हैं, वो भी गांधी की ट्रस्टीशिप से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ उसके साथ मेल खाता ही है। गांधी की जो ट्रस्टीशिप थी उसका बेसिक चीज़ क्या था कि ये जो आपकी फैक्ट्री है जी, इस फैक्ट्री में आपने जो वेल्थ बनाई है, जो कमा रहे हैं आप इससे, वो मजदूर की मेहनत से कमा रहे हैं, तो उस वेल्थ को आप अपनी स्वयं की वेल्थ ना मान के इसको एक ट्रस्टी के तौर पे लें कि मजदूर जो कमा के दे रहा है मैं तो उसका केवल रखवाला हूं, और इससे मजदूर को अपनी रोटी रोजी मिलती रहे, मैं इसका रखवाला रहूं, और इसमें जितनी बढ़ोतरी हो वो देश के लिए हो। वो जो तो गांधी का वो जो सोच थी वो जिसे कैपिटलिज्म कह देते हैं हम, उसके एक किस्म से विरोध में ही खड़ी होगी। कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि ये मैंने कमाया है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये शेयर्स के पैसे मेरे हैं, ये प्रॉफिट मेरा है, वो मेरे की बजाय गांधी थॉट क्या था कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो जो इसमें से तनख्वाह ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, बाकी ये सब इन्हीं लेबर का है, इसी कंपनी का है, इसके अंदर काम चलता रहे, लोगों को इसके अंदर रोजगार मिलता रहे। वो जो ट्रस्टीशिप की थ्योरी थी, ट्रस्टीशिप की थ्योरी आपको लालच से दूर लेके जा रही थी, और जो रोटी रोजी का साधन बना हुआ है मजदूर का जी, उसको प्रोटेक्ट करती थी जी, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, गांधी का ये, गांधी ने कहा है कि प्रकृति के पास इंसान की जरूरत पूरा करने का हर साधन है, लेकिन उसके लालच की, एक भी व्यक्ति का लालच प्रकृति पूरा नहीं कर सकती। तो लालच से दूर ले जाने के लिए गांधी ने ट्रस्टीशिप की बातचीत की थी जी। और साथ में ट्रस्टीशिप का उनका मकसद यह भी था कि पैसा कुछ हाथों में इकट्ठा होता जाए। जैसे आज हम देखते हैं, हमारे रोज हम न्यूज़ सुनते हैं, आज देश में इतने मिलियनर्स हो गए, आज इतने बिलियनर्स हो गए, है ना। तो वो मिलियनर्स बिलियनर्स ना गिन के अगर हम ये करें कि कितने लोग, इतने लोग भूखे नहीं सो रहे, इतनी जगह की भुखमरी खत्म कर दी गई, अगर उस तरह से सोचें तो वो ट्रस्टीशिप के साथ रिलेट हो जाएगी, कोरिलेट हो जाएगी जी, जी, बिल्कुल। तो जो वक्त था स्वतंत्रता संग्राम था, गांधी जी ने छोटे लघु कुटीर उद्योगों पर बहुत जोर दिया। आजादी के बाद हालांकि हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ते गए, तो आज उसकी प्रासंगिकता को हम कहाँ रख सकते हैं? कुटीर उद्योगों के जरिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को आज मजबूत करना प्रासंगिक है या नहीं है, इस पर आपकी क्या राय? अब वापस उसी दौर में जाएं, आपको उत्तर मिलेगा जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में, इंग्लैंड और जर्मनी में जी सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति कहलाई थी। वो भी उतने ही बड़े कॉग्लोमरेट थे, उतने ही बड़े इंडस्ट्रीज थे, उतनी ही बड़ी उनकी प्रोडक्शन थी जो आज कुछ लोगों की, उस जमाने के मुताबिक जी। लेकिन उनके सामने गांधी ने चरखा रख दिया। गांधी इनफैक्ट इंसान की सोच पर और उसकी वर्किंग पर तजर्बा ही करते थे जी। उन्होंने चरखा रखा। अब एक तरफ 100 स्पिंडल, 1000 स्पिंडल एक समय में चलाने वाली स्पिनिंग मिल है जो हजारों गज कपड़ा एक घंटे में बना देगी, और एक तरफ एक वो चरखा है जिसके अंदर सूत काट काट के शायद आप 6 इंच भी कपड़ा एक दिन में पूरा ना बना पाओ जी। लेकिन गांधी ने उसको सामने इसलिए खड़ा किया कि हम स्वावलंबी बने, जरूरतें कम करें, और छोटा और कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, लोकल नीड्स को पूरा करने वाला, अगर वो गांव में या छोटे शहरों में और कस्बों में अवेलेबल है तो रोजगार भी तो वहीं मिल जाएगा। बिल्कुल, उसको बनाने, उसको सेटअप करने में कोई खर्च नहीं लगेगा जी। अब बड़ी फैक्ट्री के लिए आपके पास साधन नहीं है, बड़ी फैक्ट्री के लिए आपके पास जगह नहीं है, बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी नहीं है, वो लगेगी नहीं। लघु और कुटीर उद्योग को आप पूरी तरह छोड़ देंगे तो जो आज की स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की है वही बनेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो लघु और कुटीर उद्योग सबसे बड़ी जरूरत है आज की जी। जिस दिन ये गली गली में गांव गांव में किसी भी फॉर्म में जी यदि हम इनको एस्टेब्लिश कर पाते हैं, इनको हम शुरू कर पाते हैं, तो जो ये शोर है कि चंद हाथों में चला गया, चंद हाथों में चला गया, ये जाना भी बंद हो जाएगा। हो जाएगा जी। और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए अब देखिए अभी क्या हुआ है, जैसे पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी इंटेग्रेट हो गई है ना जी। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उसमें सबने कहा सप्लाई चेन टूट गई। अब सप्लाई चेन का टूटना क्या हुआ कि बहुत सी यहाँ की कंट्रीज, बाकी जो कंट्रीज थी उनमें प्रोडक्शन लाइन रुक गई, रुक गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस हो गई थी कि उस सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, है ना। बिल्कुल। फिर दूसरा पीछे जब कोविड हुआ तो लॉजिस्टिक्स में कितनी प्रॉब्लम हुई, आने जाने के साधन खत्म हो गए, माल आने बंद हो गए, वो सब चीज़ें हुई। तो अगर आप लोकल डिमांड के ऊपर, लोकल नीड्स के मुताबिक, लोकल मार्केट के लिए और लोकल रिसोर्सेज से बनाना शुरू करें तो आप एक उसकी अपने आप डिसइंटीग्रेशन से हो जाएगी जी। बिल्कुल, वो फैले लग जाएगा। बिल्कुल। अभी हम जैसे वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की जी। आज महात्मा गांधी का जो जन्मदिवस है, जयंती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है, चीन ताइवान भी युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, दुनिया जो है कहीं ना कहीं दो भागों में इन मुद्दों पर बढ़ती हुई नजर आती है। इस स्थिति में गांधी जी की विचारधारा को हम किस तरह से लागू कर सकते हैं कि ये स्थितियां ना आएं, और यदि गांधी जी आज होते तो वो किस तरह से रूस यूक्रेन या चीन ताइवान के मुद्दों को सुलझाते, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जब गांधी जी खुद जीवित थे और अपनी सब राजनीति में हर काम में लगे हुए थे, उस दौरान भी दो विश्व युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध भी हुआ, दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, और उसके बाद तभी, वैसे तो पहले के बाद ही शुरुआत होगी थी कुछ यूनाइटेड नेशंस जैसी चीज़ बनाने की तरफ लोग सोचने लगे थे, और बाद में बना भी, और उनका भी तरीका यही होता है कि अक्रॉस द टेबल बैठ के नेगोशिएशन की जाए, उनको सेटल किया जाए, आपसी बातचीत से बातों को सुलझाया जाए। पर जब ये ना सुलझाया जा पाए या डिप्लोमेसी फेल हो जाए, और अब तो देखिए, अब तो जो लड़ाई हो रही है ये आर्मामेंट की वॉर से पहले इन्होंने बैंकिंग को चेक करके कोशिश की, उन पर दबाव डाला, ये दबाव ही तो है जी। बिल्कुल। फिर उसके बाद इस पर दबाव डाला गया, उनकी पहले बैंकिंग पे रोका गया, फिर उनके एनर्जी की सप्लाई को उसको बंद करके रोका गया। तो ये सब चीज़ें भी अगर फेल हो जाएं तो शायद इनके पास आज के दौर में एक युद्ध ही एक वो रह जाता है सोल्यूशन, बाकी तो ऐसा आप बताएंगे। देखिए, एक ना सर्वोदय की प्रार्थना में एक वो आता है, हाँ जी, लाइन जी। वैर से ना कदापि भी मिटते हैं वैर कहीं जी, मैत्री से ही मिटे वैर, यही धर्म सनातनम जी। ये गांधी की थ्योरी थी। बिल्कुल। वैर से वैर मिट नहीं सकता। जो विश्व में आज स्थिति हम देख रहे हैं, इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो जो एक हमारी सोच में, बर्ताव में, यानी इस डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, जो सोच में हमारे बर्ताव में जी एक हिंसा आ गई है, एक क्रोध आ गया है, गुस्सा आ गया है, जल्दी आ गई है, बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि एक तेजी आ गई है स्वभाव में, यहां पर जरूरत है किस चीज की, प्रेम की, प्रेम की, सहिष्णुता की। आज मैं छोटी से छोटी चीज को भी मानने को तैयार नहीं हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे किसी से प्रेम नहीं है, अग्रेसिव एटीट्यूड है। ये जो अग्रेसिव एटीट्यूड, ये जो इनटॉलरेंस, ये जो हमारी सोच में, नई पीढ़ी में, हमारी शिक्षा में, इवन हमारे म्यूजिक में, गाने में, लिटरेचर में, इन सब चीज़ों में जो आया है, इसकी परिणति है ये कि अब हम एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं जी। इसलिए यदि हम इनको वापस प्रेम में, सहिष्णुता में, अहिंसा की तरफ ले जाएंगे जी, इस वर्किंग, इस सोच विचार और हमारी एक्टिविटी यदि गांधीयन थॉट प्रोसेस से हो जाएगी, तो जो बड़े लेवल पर जाकर जो लड़ाई का रूप ले गई है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। रशिया क्यों कब्जा कर रहा है कि डॉनबास रीजन में हमारे रशियंस ज्यादा हैं,
मैं इनको आजाद कराना चाहता हूँ, मैं आजादी के लिए लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, आजादी के लिए लड़ाई शुरू की। परमाणु शक्ति है, सबसे ज्यादा हथियार हैं, कितने लोगों के मरवाने के बाद भी आज कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, यूक्रेन, मैं नाटो में जाऊंगा, किस लिए जाओगे? ताकि उनका सारा जखीरा मैं यहाँ खड़ा कर सकूं, कल को रूस हमला करे तो मैं बच सकूं। जी, ये जो सोच है कि मैं नाटो में जाऊंगा मुझे हथियार मिल जाए, रूस हमला इसलिए कर रहा है कि मैं इनको आजाद कराऊंगा किसके दम पे, हथियार के दम पे, ये जो आर्म्स रेस है, आर्मामेंटेशन, जी, ये अपने आप में हिंसा को पैदा कर रही है। और हिंसा से क्या आज कोई, अब तक तो कोई सोल्यूशन निकल पाया? जी बिल्कुल नहीं। फिलिस्तीनियों का संघर्ष आज तक खत्म नहीं हुआ, इसराइल फिलिस्तीन की हिंसा आज तक चल रही है, खत्म नहीं हुई। सीरिया की हिंसा जी आज तक खत्म नहीं हुई। एक भी ऐसी दुनिया में लड़ाई नहीं है जी जिसमें हिंसा के बाद वो लड़ाई हुई मॉडर्न वर्ल्ड में, और ये कह दिया कि ये जीत गया, ये हार गया। जी बिल्कुल। तो जब गांधी का ये कहना है कि जब आपको पता है कि अंततो गत्वा इस हथियारों की लड़ाई से कोई फैसला नहीं होना है, तो फिर इतना खून खराबा क्यों, फिर ये हिंसा क्यों? अहिंसा की बात करो, पंचशील की बात करो, शांति की बात करो, बैठ के अपनी समस्याओं को दूर करने की बात करो। यूक्रेन को भी समझाया जा सकता है कि अगर ये डॉनबास रीजन इंडिपेंडेंट हो जाएगा जी, तो क्या ये लोग किसी दूसरे महाद्वीप उसमें चले जाएंगे, किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे? इनको भी अपना अधिकार है जी, किसी को कब्जा करने का। ये जो ग्रैब करने की जो सोच है, ये टोटली वायलेंट एक्टिविटी को सामने लाती है। तो गांधीयन सोच को अगर हम अपनी थॉट प्रोसेस में प्रेम और सहिष्णुता को ले आए, यदि ये सब आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव से, टॉलरेंस से, और सत्य की ओर के भाई जो सच्चाई है उस तरफ चले, अगर इस लाइन पर चलेंगे, तो ये जो चाहे वो चाइना और ताइवान का है, चाहे वो यूक्रेन और यूएसएसआर का है, ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बिल्कुल। तो सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति, प्रेम और सौहार्द के संदेशवाहक महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हमारे जो अतिथि हमारे साथ पहुँचे, आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब युवा और हमारे जो दर्शक हैं वो आज ये प्रण ले कि सदैव सौहार्द के साथ में, अपने प्रेम के साथ में रहेंगे और गांधी जी की तरह ही सरलता और सादगी भरा जीवन जिएंगे। नमस्कार। नमस्कार।